हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आज आपके सामने लाई हूँ मैथ्स का ब्रिज कोर्स 1 से लेकर 3 तक, यानी कि वर्कशीट 1, 2 और 3। ओके, तो देखते हैं पहली पहली वर्कशीट कौन सी है और उसका टॉपिक क्या है। तो ये देखिए, ये है इसका टॉपिक जो है एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो किस तरह से बनाना है एंगल बाइसेक्टर तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और सेकेंड टॉपिक में क्या है, थर्ड टॉपिक में क्या है वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार आप देख लीजिए कि ये किस तरह से मैंने बनाया है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस किस मतलब उसके लिए कौन सा मतलब मैंने क्या प्रयोग किया है वो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया है। तो आपको क्या चाहिए, आपको राउंडर चाहिए, राउंडर में आपको एक पेंसिल डालनी है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल। उसके बाद में आपको एक अलग से पेंसिल ले लेनी है और स्केल। ठीक है, तो इन सब का उपयोग हम करेंगे। तो देखते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया, तो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की खींची है। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देखिए इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, आप कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको सेंटीमीटर दिया गया है तो आप उस तरह से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक कोई भी एंगल ले लेना है, वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कौन सा एंगल लिया है, अक्यूट एंगल लिया है, अक्यूट। ठीक है, तो मैं अक्यूट एंगल ले लेती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और दोनों तरफ आपको एरो डालना है या ऐसे। ठीक है, ये डालने के बाद में अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर ये राउंडर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये लाइन देखनी है। ठीक है, ये लाइन देखनी है, और ये वाला, ये राउंडर का एक पॉइंट आपको इसके ऊपर रखना है, और ये जो लाइन है इसका आधा भाग लेना है, ये देखिए आधा। अब हमें आधे से ज़्यादा भाग लेना है, यानी कि इतना। ठीक है, तो इसे यहाँ से पकड़कर यहाँ पर एक ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, और वही सेम लेंथ लेके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, हो गया। अब आपको क्या करना है, वही मेजरमेंट। ठीक है, वही मेजर में आपको यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट मिलता है ना, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये आर्क रखना है। ठीक है, ये वाला मतलब इस आर्क के ऊपर आपको ये पॉइंट रखना है, और फिर उसके बाद में ऐसे पकड़ के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ऊपर। ठीक है, ऐसे डालना है, और वही सेम मेजर आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे ले लीजिए और फिर वापस से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर एरो डाल देना है। तो देख सकते हैं आप, हमें यानी कि दो भाग मिल गए हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर यानी कि एक एंगल का दो भाग में डिवीज़न करना, यानी कि डिवाइड करना। तो बाइसेक्टर वही होता है, कोण द्विभाजक। ठीक है, दो भाग करना उसका। ओके, तो देखिए मैंने किस तरह से बनाया है, ऐसे ही आपको करना है, और आपको यहाँ पर नाम दे देना है कि किस तरह से मैंने यहाँ पर नाम दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एस नाम दिया है, यहाँ पर क्यू नाम दिया है, और यहाँ पर टी नाम दिया है, और यहाँ पर आर। इस पॉइंट को भी आप नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट को भी क्या दिया है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दे दीजिए पी दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम दे दीजिए। ओके, तो अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक, जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए लाइन सेगमेंट मीन्स वॉट। यहाँ पर देखिए मैंने समझिए एक लाइन ड्रॉ की है, और ठीक है ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये लाइन आगे बढ़ती नहीं जाएगी, ये लाइन का यहीं पर मतलब सीमा रहता है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इसके बिंदु लगा दें तो ये लाइन यहीं तक रहेगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो दोनों तरफ जिसके बिंदु रहता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको डाउट।
ओके तो अब मैंने ये कैसे ड्रॉ किया है वो आपको मतलब आपको देखना है। तो आपको एक लाइन ले लेनी है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए आपको स्केल लेना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। आप कितने भी सेंटीमीटर के ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझे ऐसे 7 सेंटीमीटर दिया गया हो कि आपको 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है तो आप उतने सेंटीमीटर की लीजिए। अगर आपको सेंटीमीटर लेना नहीं आता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक मिनी स्केल का वीडियो बनाया है, बहुत पहले बनाया था वो। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कोई भी आपको डाउट रहा तो वीडियो के लिए, ठीक है। तो ये ड्रॉ आपको लाइन करनी है, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें भी वही करना है, इस पॉइंट के ऊपर इसको रखना है, आधे से ज़्यादा इसका मेजरमेंट लेना है, देखिए, और ऊपर यहाँ पर एक आर्क डाल देनी है, ठीक है। वैसे ही वही मेजर ये वही लेंथ आपको यहाँ पर भी इस बिंदु पर रखना है और यहाँ पर एक आर्क डाल देना है, ओके। और वही मेजरमेंट आपको वैसे रखना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इसको लेना है और वैसे ही यहाँ पर भी इसे ले लेना है। इससे मतलब इससे इजी क्या रहेगा, आप यहाँ पर एक ड्रॉ कीजिए आर्क और एक यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, वैसे ही एक यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कीजिए और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा इजी। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है, ये भी इजी है। तो जल्दी से जोड़ दीजिए इसे इस तरीके से दोनों पॉइंट के साथ, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया है, देखिए पी दिया है, फिर यहाँ पर क्यू है, वैसे ही आप यहाँ पर नाम दे दीजिए ए और बी, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिज्यूम यानी कि पहले कर लीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो अब चलते हैं वर्कशीट 3 पर, देखिए ब्रिज कोर्स 3 वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल का इसने बाइसेक्ट किया है यानी कि उसमें मतलब हमें विभाजन करना है, बांटना है यानी कि डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ थर्ड जो कि है वर्कशीट, ठीक है, ब्रिज कोर्स। देखते हैं थर्ड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी में आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए आप कितने भी सेंटीमीटर का या फिर लेंथ का ड्रॉ कर सकते हो ट्रायंगल, ओके, ये देखिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको तीनों जो ये आपको पॉइंट मिले हैं पहले उसे नेम दे देना है ए बी और सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बुक को यानी कि जो आपकी नोटबुक है उसे उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट इसे यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर देखिए ये आधा मेजरमेंट हुआ है इसका, तो आधे से ज़्यादा ले लीजिए, हो गया आधे से ज़्यादा, यहाँ पर एक आर्क डाल दीजिए, वही सेम मेजरमेंट आपको यहाँ पर भी डाल देना है, ठीक है, सेम रहना चाहिए, याद रखिए, यहाँ पर भी एक आर्क डाल देना है, ठीक है। ये होने के बाद में वही सेम मेजरमेंट आपको यहाँ पर इसे रखना है और देखिए यहाँ पर रखना है और फिर इसे यहाँ पर एक आर्क डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इस आर्क पर रखना है और यहाँ पर एक आर्क डाल देना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मिला है और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों को आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए स्केल से जोड़ना है इस तरह से बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पर एरो डाल देना है, तो एक हमारा बन गया एंगल, ठीक है। तो अब आपको इसे सीधा करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ये सेम मेजरमेंट आधे से ज़्यादा जो है वो आपको एक यहाँ पर डालना है, देखिए हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एक यहाँ पर डालना है और एक यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद में वो जो सेम मेजरमेंट रहेगा वो आपको इस आर्क के ऊपर रखना है और वो ऐसे ही इस आर्क के ऊपर रखकर यहाँ पर आपको डालना है एक आर्क और इस आर्क के ऊपर रखकर आपको एक आर्क यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो एक और हमें पॉइंट मिल गया है, वो जो पॉइंट है उसके सामने क्या है, देखिए बी है, तो बी के सामने ये
पॉइंट जाएगा, ठीक है, जिसके सामने जो है उसके सामने वो पॉइंट चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद में हमारा बचा है सी, सी बचा है तो सेम मेजरमेंट लेना है आपको, देखिए आधे से ज़्यादा लेना है और एक, देखिए यहाँ पर एक आर्क यहाँ पर डालना है और एक आर्क यहाँ पर डालना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ इसके ऊपर रखकर एक आर्क यहाँ पर डालना है, ठीक है, देखिए, और वही सेम मेजरमेंट एक आर्क यहाँ पर डालना है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये किसके सामने है, सी के सामने, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको आपस में जोड़ देना है, ठीक है, ये जुड़ गया। अब देखना है आपको कि ये जो तीन लाइनें हैं वो एक ही सेंटर यानी कि एक ही लाइन में वो मीट हो रही है ना, ये देखिए ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ये तीनों आपस में एक जगह पर मीट हो रही है, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा सर्कल डाल देना है, तो इसे हम कहते हैं सेंटर, क्या क्या कहते हैं, सेंटर, सेंटर पॉइंट, ठीक है, आपको पता होगा ना, तो मतलब जितनी लाइनें एक जगह पर मीट होती है सारी लाइनें उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्टिविटी यानी कि ट्रायंगल बाइसेक्टर, और देखिए यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो अगर वो आपको करना है तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट है इसका, ओके, ये फर्स्ट है और फिर ये सेकंड ब्रिज कोर्स है और ये थर्ड ब्रिज कोर्स है, ठीक है, ओके। तो हमारा जो वर्कशीट 1, 2 और 3 यहीं पर एंड होता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।